जहांदाद जहांदाद जहांदाद। जहांदाद प्लेयर का नाम है और ये पीएसएल खेल रहे हैं अभी लाहौर कलंदर की साइड से। तो ये काफी हार्ड हिटिंग करते हैं, शिवम दुबे और युवराज सिंह जैसी हिटिंग करते हैं ये। तो ऑलराउंडर हैं ये, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और साथ में ये सिक्स हिटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। और आज उन्होंने बहुत अच्छे से सिक्स हिटिंग की है, अपनी टीम को तो नहीं जितवा पाए लेकिन 17 बॉल में 45 रन, 17 बॉल्स पे 45 रन उन्होंने स्कोर किए, जिसमें से 4-5 छक्के उन्होंने मारे और वो बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने। तो उस बैटिंग करने के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहा उन्होंने, कैसी रही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, चलिए मैं सुनाता हूँ आपको ये। आपने बहुत शानदार खेला। पिछले मैच में हमने देखा कि आपने बड़ी अच्छी वेरिएशन कराई बॉल के साथ, और इस मैच में आपने अपनी सिक्स हिटिंग पावर दिखाई और बड़े रिस्टी छक्के मारे। तो बताएं कि कौन सा जो फैसेट है वो बेहतर लगता है आपको, आपको लगता है बेहतर बॉलर हो कि बैटर हो? बस वो देख आप देखें, पहले मैच में मैंने बॉलिंग की है तो 4 में 39 रन दिए। तो आज जो मुझे प्लान मिला था कैप्टन की तरफ से और कोचेज की तरफ से, जो मेरी गेम है नेचुरल, उस गेम पर मैं रहा हूँ तो अल्लाह ने इज्जत दी है। आपको सिकंदर रजा और दीगर जो कार्लोस ब्रेथवर्ड है उससे पहले भेजा गया था, और शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से क्या रोल दिया गया था, बड़ी ज़बरदस्त आपने बारी ली, हेल्प मिल रही है सीनियर्स की तरफ से? बहुत हेल्प मिली है, शाहीन भाई ने यही कहा कि आपको ऊपर भेजूंगा, मैं प्रमोट किया उन्होंने कि जाओ जो आता है वही करो, जो मुझे आता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं छक्के मार लेता हूँ। तो उन्होंने कहा बस छक्के ही मारने जाके और ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया। जहांदाद, मैच अच्छा आप लोगों ने खेला है लेकिन मुसलसल दूसरी शिकस्त हुई है लाहौर को, क्या गलतियां हुई हैं लाहौर से, का बैट्समैन ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे, आज भी टॉस जीत कर पहले बैटिंग की आप लोगों ने, क्या स्कोर ठीक था आपके हिसाब से या बॉलर ने ज़्यादा रन दे दिए? स्कोर तकरीबन देखा जाए स्कोर अच्छा था, तो 15-1 रन अगर और होते हमारे तो और अच्छा फाइट हो जाता, फिर भी बॉलरों ने अच्छी एफर्ट की और रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं, हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट अलग आ गया। जानदाद, हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स स्टार्ट के ओवर में विकेट नहीं ले पा रहा, और आज भी अगर कलंदर्स ऊपर के ओवर में विकेट लेता तो शायद जो नतीजा था वो चेंज हो जाता, लेकिन हमने देखा कि शाहीन, हारिस और जमान तीनों पाकिस्तान की इंटरनेशनल नेशनल टीमें भी खेल रहे हैं, लेकिन यही कॉम्बो उस टीम में भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन तीनों जो हैं वो उस तरह की बॉलिंग नहीं कर पा रहे जिस तरह की फ़ैन्स को तवक्को है, तो क्या समझते हैं कि बॉलर बॉलिंग कम्बिनेशन में चेंज करना पड़ेगा या फिर जो है रन ज़्यादा करने पड़ेंगे? नहीं देखा जाए शहीन भाई हो गए, आरस भाई हो गए, ये पूरी दुनिया के बेस्ट बॉलर हैं और पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने काफ़ी मैच जिताए और काफ़ी परफॉर्मेंस सेम दी, तो ये तो नहीं कह सकते कि 1-2 मैचों की वजह से आप उनको रेस्ट करा दें, तो इंशाल्लाह अभी काफ़ी मैच पड़े हैं, 8 मैच रहते हैं अभी, तो टूर्नामेंट अभी काफ़ी लंबा टूर्नामेंट है तो इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे। जानदाद, आप में आपके बैटिंग में जो है वो शिवम दुबे और युवराज सिंह की जो है वो स्टाइल नज़र आया है, क्या आप उनसे इंस्पायर हैं और इंटरनेशनल किसे इंस्पायर हैं जो आपका रोल मॉडल है? मेरा रोल मॉडल अभी साउथ अफ्रीका के बैट्समैन है डेविड मिलर, उनको मैं ज़्यादा, मुझे मेरे फेवरेट बैट्समैन। जानदार, क्या समझते हैं लाहौर कलंदर चौथे मैच में दूसरी शिकस्त, क्या वो पहले वाली टीम नहीं रही, राशिद खान को कितना मिस कर रहे हैं? राशिद भाई को तो जहर सी बात है मिस कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड नंबर वन बॉलर है, तो मिस तो उनको करेंगे। जहांदाद, मिस फील्डिंग हम देख रहे हैं कि लाहौर कलंदर से ज़्यादा, और ये तो फील्डिंग को ओवरकम करने के लिए आप लोग कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और दूसरा कि जब मिस फील्डिंग होती है शाहीन एग्रेशन भी दिखाते हैं, तो उनके एग्रेशन को आप कैसे फेस करते हैं ऑन द फील्ड? मैच में ड्यू भी था थोड़ा तो मिस फील्डिंग हो जाती है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हार्ड वर्क कर रहे हैं फील्डिंग पे भी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में वो गलतियाँ नहीं करेंगे जो इस मैच में की। जानदाद, सिकंदर आए हैं आपकी टीम में, आज मिस फील्ड भी हो रही थी और उसके बाद सिकंदर रजा ने क्या कहा था, थोड़ा सा बताएंगे? सिकंदर भाई जब कल ही आए हैं तो आज ही मैच खेले हैं डायरेक्ट, तो वही कॉन्फिडेंस दे रहे थे, बैटिंग में भी जब आए थे और बॉलिंग में भी समझा रहे थे कि ये करो वो करो, बस कॉन्फिडेंस दे। अच्छा जानदाद, ये बताइएगा कि ये PSL 9 में जो है वो दूसरी लाहौर कलंदर को शिकस्त है, तो आप क्या समझते हैं इसमें मिस फील्डिंग समझते हैं, या आप ये भी बताइएगा कि जो लाहौरी हैं वो तो लाहौर कलंदर को जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गए हैं शायकी ने, क्या कहेंगे इस हवाले से? मायूस ना हो क्योंकि अभी सिर्फ 2 मैच खेले हैं।